Good morning to all of you. Take your seat. लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? नवीली कल एमटी बता रहे थे नहीं? और लास्ट एमटी जैसा हमको ध्यान में है, लास्ट एमटी था एफ वन आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू एफ टू आर टू स्क्वायर, यही एमटी बताए थे क्या? आइए इस एमटी पर एक ही सवाल दे बताया गया था नहीं? एक सवाल और लीजिए आप। हवा में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल लगने वाला बल आठ न्यूटन है। यदि उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी आठ सेंटीमीटर कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करें बनाइए। और R1 दिया है 2 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान में रखना चाहिए, जैसे ही गिवन लिखा है हम लोग तो दोनों का सेम यूनिट कर देंगे यहीं पर, भूल हो जाएगी, आगे सही आंसर आएगा नहीं। यहाँ क्या होगा, C का मतलब बताए थे 10^-2 मीटर, सही है? तो कहता है कि दोनों के बीच की दूरी कितना सेंटीमीटर कर दी जाए? 8 सेंटीमीटर कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा? तो फॉर्मूला तो ही होगा ऊपर वाला, क्या लिखेंगे कि F1 R1 square is equal to F2 R2 square। हमको चाहिए
एफ टू, इसलिए एफ टू इज इक्वल टू एफ वन इंटू आर वन बाय आर टू का होल स्क्वायर, एक बार ही कर दें नहीं, इसको इधर लेकर आए और पूरे पर स्क्वायर कर दिए, एफ वन का मान कितना है आपका, एफ वन का मान 8 है, फिर आप आर वन का मान कितना देने जा रहे हैं, 2 × 10⁻², आर टू का मान 8⁻², इसका स्क्वायर होगा और देख रहे हैं ये तो कटेगा ही और ये 4 हो जाएगा तो 16 हो गया क्या, 8/16 हो गया स्क्वायर करने के बाद, तो क्या हो गया 1/2 अर्थात 0.5 न्यूटन, सही आंसर आया है ना, बिल्कुल सही आंसर आया है। लेकिन आप में से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलने से क्या फर्क पड़ा, जब कट ही गया और नहीं भी बदलते सर में आंसर आ जाता, रियल बात है कि नहीं भी बदलते तो वही आंसर आता, लेकिन ये तरीका आपका सही नहीं होता, नॉट क्लियर। इसी तरह का कुछ भी सवाल दिया जाएगा आप बना सकते हैं। देखिए तो नेक्स्ट सवाल, ओके लिखना है, 2 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 आवेशों के बीच, 2 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल 64 न्यूटन है, 64 न्यूटन है, तो उन दोनों आवेशों को, उन दोनों आवेशों को कितनी दूरी पर रखा जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि ताकि उनके बीच लगने वाला बल 4 न्यूटन हो, उनके बीच लगने वाला बल 4 न्यूटन हो, 64 से कितना हो जाएगा 4, घट जाएगा बढ़ जाएगा, घट जाएगा, तो दूरी और बढ़ेगी कि घट जाएगी, दूरी बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, बल घट रहा है तो दूरी भी घटेगा, क्या होना चाहिए बात की बात, चलो ले निकालो तुम, यदि नहीं समझ में
और आज भरना चाहिए घटना चाहिए बाद में समझाएंगे, पहले निकाल कर देखो। साठ मीटर दूरी कर देंगे तो चार हो जाएगा, यही क्या? चलिए फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर कहीं जा रहा है। फोर रूट टू मीटर, फोर रूट टू मीटर लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन बताइए। आठ न्यूटन आपके अनुसार है, 64 है। चलिए आज हम देखते हैं मेरा कितना आता है। क्या कर रहा था सवाल में? 2 मीटर की दूरी पर रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना न्यूटन है? 64 न्यूटन। तो उसको कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि उनके बीच लगने वाला बल, हाँ तो 4 न्यूटन F2 हो गया। तो R2 मांगता है, फॉर्मूला वही रहेगा बदल जाएगा? F1 R1 स्क्वायर बराबर F2 R2 स्क्वायर चाहिए हमको इस बार R2। देखिए तरीका क्या होगा, तरीका बदलिएगा दिक्कत होगी आपको। और आप F1 by F2 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है? F2 को इधर ले आए, उस साइड में कौन है? R2 का स्क्वायर, इधर से कौन गया? R1 का स्क्वायर। कुछ किए हैं? F2 को इधर लाए, R1 स्क्वायर को उधर लेकर गए। लेकिन देखना तरीका मेरा कैसे करते हैं, कई तरीका हो सकता है लेकिन जो बिल्कुल आसान है उसको हम अपना रहे हैं, ठीक? देखिए आप R2 को तो पते नहीं है R2, लेकिन R1 पता है। अभी कुछ नहीं निकालेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं ना, तो क्या हो गया? F1 by F2 उसी को केवल पलट दिए हैं। हमको चाहिए R2, हम R2 by R1 निकालेंगे। यहाँ स्क्वायर है तो उधर जाने के बाद क्या होगा? रूट हो जाएगा। और देखिए आप F1 का मान कितना है? 64। F2 का और कितना हो गया? 16 64 नहीं जाते, क्या हो गया? 4 हो गया। क्या देखे? R2 by R1 = 4। इसलिए क्या चाहिए हमको? R2 = 4 × R1। तो 4, R1 का मान कितना है? 2। कितना हो गया? 8 मीटर। बताइए तीसरा ऑप्शन सही हुआ कि नहीं? किनका था? तो पहले 64 कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसी तरह सुधार हो जाएगा। लेकिन बनाओ इंटरेस्ट लो, यही सब परीक्षा में आएगा। और ये ऑनलाइन जो टेस्ट शुरू हुई है उसमें ज्वाइन कीजिए इमीडिएट, बहुत मजा आएगा बनाने में। घर में मोबाइल से सिनेमा और सीरियल देखना भूल जाओगे, इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब डाला गया है। छब्बीस तारीख को पुनः क्वेश्चन होगा जो कि एक्टिवेट करने के बाद
जो सोए हुए हैं जगाना मोटिवेशनल क्लास होगी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एमटी का कमाल। नहीं कोई भी सवाल बन ही जाता है, रुकता नहीं है। लेकिन एक बात और बात आपसे कहेंगे, लास्ट एमटी बता रहे थे कौन सा बताए थे, इसमें एक इंटरेस्टिंग सवाल आपका शायद छूटा है। एक सवाल लीजिए, देखते हैं कौन बनाते हैं। देखिए सवाल, हवा में रखे गए दो आवेशों, हवा में रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, हवा में रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 16 न्यूटन है, 16 न्यूटन है। यदि उन दोनों आवेशों के बीच कॉपर प्लेट डाल दिया जाए, यहां तो कॉपर प्लेट कैसे लिखोगे, कॉपर प्लेट डाल दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करें, एक बार समझो कि Q1 Q2 पहले किस में रखा हुआ था, हवा में, कितना फोर्स लग रहा था, 16 न्यूटन। अब क्या किए, दोनों के बीच में कॉपर प्लेट रख दिए। देखो यहाँ ऐसे मोटा ऐसा कॉपर प्लेट नहीं, ये पूरा क्या है, कॉपर का प्लेट है। कॉपर प्लेट रख देंगे तो दोनों के बीच में फोर्स लगना बंद हो जाएगा कि लगेगा, लगेगा कितना लगेगा, ये क्वेश्चन है मेरा, सोचिए। कितना, जीरो न्यूटन एक आंसर आया आपका इस सवाल का, आंसर जीरो न्यूटन बताया जाना, यानी बल लगेगा ही नहीं, सही ना। पहला ऑप्शन आया जीरो न्यूटन, दूसरा बोलो जीरो ही होगा, तीसरा बोलो टॉप थ्री में कौन आता है, ये नहीं आपने ख्याल रखता है, आंसर देने का मतलब टॉप थ्री में आना, कोशिश करो टॉप थ्री में आने का। कोशिश करते करते सर संभव
के बीच में लगने वाला बलि निजी होगा। अब देखेंगे तीन ऑप्शन आ गया, चौथा में हम है, में हमसे कितना आने वाला है। देखिए गिवन में यह पीए दिया हुआ है कितना 16 न्यूटन, और डायरेक्ट मांगता है कि एफएम कितना होगा। हम तो जानते हैं मीडियम और हवा के बीच में लगने वाले बल के बीच क्या रिलेशन होता है, एफए बराबर एप्सिलॉन आर इनटू एफएम। हमको क्या चाहिए, एफएम चाहिए, एफए बार एप्सिलॉन आर। एफए का मान 16 और एप्सिलॉन आर का मान हाँ, क्यों मेटल के लिए होता है एप्सिलॉन आर का मान इनफिनिटी, ठीक है। तो कॉपर क्या मेटल नहीं है, केमिस्ट्री के सर ने बताया है मेटल है, बताए होंगे कि एप्सिलॉन आर का मान मेटल अर्थात कॉपर के लिए क्या हो जाएगा इनफिनिटी। बताओ इनफिनिटी से भाग देंगे किस में, 16 में, कितना आएगा 0 आएगा। कैसे समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, आज समझ में आ जाएगा। रात में क्या करना, 16 रोटी बनाना, समझे। और दो सहेली अभी रूममेट मिलकर खाती है, कितना कितना खाती है अच्छा चलो 4 यदि सहेली हो जाए तो कितना कितना, 4 रोटी, और 4 नहीं बल्कि 80 सहेली आ जाए तो कितना रोटी, हाँ एक रोटी का 5वां टुकड़ा होगा वही रोटी होगा। और हम कहेंगे ये 80 नहीं रे, तब कितना, तब ये देखो ऐसे कितना देते हैं, कितना इकाई इकाई 11,000 10,000 लाख, 1 लाख टुकड़ा करो ये रोटी का और पूछो कितना -5 से, नहीं मतलब है कितना रोटी खिला है उसको, बहुत छोटा टुकड़ा। और इसमें अब अनंत से भाग देने की बात हो जाएगा तो क्या होगा, यदि अनंत से ही बुलाएगी तो कितना रोटी बोलेगी, कितना खिलाए 0 सही बात। तो चलो क्या हो गया, 0 रोटी की संख्या, बोलो जो रोटी संख्या क्या होगा 0, यही हो गया 0 सही आंसर। कॉपर रे मेटल रे कुछ भी देगा तो क्या हो जाएगा, नोट करो कैसे बल ही नहीं लगेगा, वही तो जीरो नहीं लगने का मतलब क्या हुआ, नहीं बल लगेगा, नहीं नो फोर्स एक्ट्स बिटवीन द चार्ज, देखते हैं दिमाग किसी का काम करता है। हवा और मीडियम के बीच में ये रिलेशन है, लेकिन मीडियम मीडियम के बीच में भी तो रिलेशन हो सकता है, कैसे, हम मोम में रखे हैं किसको Q1 किट, पहले इसको हटा दें हम, नेक्स्ट सवाल में ऐसा करते हैं Q1 Q2 को रख दिए किसमें, मोम में, वैक्स में रख दिए, और इनके बीच में लगने वाले बल का मान FM1 कह दें या फिर इसी को FM1 कह दें, दिक्कत है। उसी दोनों आवेशों को सेम दूरी पर उसी डिस्टेंस पर किसमें रख दिए, किसी मीडियम में वाटर में रख दिए। आप बताओ इनके बीच में लगने वाले बल का मान कितना हो गया, हाँ तो कहना ये है तुमको F1 दे देगा
एफ टू मांगेगा तो क्या ऐसा एम टी नहीं बन सकता है? बन सकता है, लेकिन ये मीडियम में है तो इसका रिलेटिव परमिटिविटी कुछ होगा? रिलेटिव परमिटिविटी को अभी तक हम लोग किससे सूचित करते हैं? एप्सिलॉन आर से और यह हीटल के से। यहाँ भी तो मीडियम है, यहाँ का यहाँ जो मीडियम है उसके लिए भी तो रिलेटिव परमिटिविटी का यही सिंबल है एप्सिलॉन आर, उसके लिए भी तो के है, तो दोनों सेम होगा कभी क्या? वेक्स का रिलेटिव परमिटिविटी अलग है, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी अलग है, इसके लिए संकेत भी हमको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन आर वन या के वन, एप्सिलॉन आर टू या के टू, सही है? चलो हम रिलेशन इसमें ज्ञात करेंगे, अर्थात नया एमटी का खोज करेंगे, नेक्स्ट एमटी मॉडर्न टेक्निक। गौर करो क्या लिखेंगे हम, We know that, हम जानते हैं कि, बात नहीं बातचीत नहीं, बोलिए F1 डायरेक्ट लिखते हैं, F1 इक्वल टू लिखते हैं क्या? Epsilon 1 by 4 pi epsilon not epsilon, epsilon not क्या देते हैं? Epsilon R, यहाँ R नहीं देख करके क्या देंगे? K1 देंगे, R1 का स्क्वायर, ये R इसके R R1 नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस तो हम सेम रख रहे हैं, हाँ डिस्टेंस अलग अलग रखेंगे तब क्या होगा? R1 R2 आ जाएगा, वो भी रिलेशन हो सकता है, वो भी संबंध हो सकता है, F2 is equal to और सुन नहीं सकते हैं दूसरे मीडियम के लिए क्या होगा? 1 by 4 pi डिस्टेंस सेम है, इसीलिए दोनों में r स्क्वायर दिए हैं। क्या करना है? फर्स्ट बाय सेकंड, वी गेट द सेकंड बाय फर्स्ट, जो देना है तो बोल दो ये f1 बाय पलट जाएगा, ये क्या होगा? वन बाय ए फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय वन, इतने जरूरत नहीं होता है, हाँ बोलो, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, यहाँ भी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, या फोर बाय इसके बराबर क्या बचा यहाँ? K2 by K1, लेकिन ये याद रहता नहीं है, याद क्या रहता है पता है? F1 K1 is equal to F2 K2, बताओ इसमें तीन टर्म दिया रहेगा नहीं, और फोर्थ टर्म अज्ञात रहेगा नहीं, ज्ञात कर सकते हो? चार तीन चीज दिया रहेगा, चौथा मांगेगा, तो चलो क्वेश्चन इस पर देंगे, लेकिन ये एम टी को जरूर रंगो ठीक से। आए डॉक्टर बोले कंपल्सरी करने, तो एक लड़के तो हाथ में देखते हैं भैया, हाँ पूरा तरह उसी जगह फुर्सत नहीं मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। और छोड़ दोगे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस घटते चला जाएगा कि मेरा ये काम तो बचा हुआ है, कर ही नहीं पाते हैं, अभी कितना खराब लगता होगा जो नए लगे काम कर रहे हो। सर हम लोग ब्लैक पेन से करते नहीं हो, जितने एडमिटेड छात्र हैं पासवर्ड और आईडी हमको लिखा ऑन
ऑनलाइन टेस्ट अपना घर में दो बनाते हैं तो आपके बच्चे से पता ना कि तुम बनाया नहीं बनाया क्या किया कितना नंबर आया सब पता ईमेल पर तुमको पापा को भेज देंगे यहाँ से कितना स्कोर आया गड़बड़ी किया तीन से ज्यादा सब्जेक्ट बनाया चौथा ब्लॉक कर देंगे एक दिन में तीन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चारों बनाओगे तो हमसे परमिशन लेना हो बेटा लिखो सवाल लिखो पहले वैक्स में रखे गए वैक्स मतलब मोम वैक्स में रखे गए दो आवेशों के बीच 160 न्यूटन है वैक्स में रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल लगने वाला बल 160 न्यूटन है लगने वाला बल 160 न्यूटन है यदि उन दोनों आवेशों को उसी दूरी पर पानी में रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करें चार न्यूटन दो आंसर एक साथ आ गया तीसरा आंसर का इंतजाम कोई और ऑप्शन बदलेंगे बल का मान कितना है 160 न्यूटन है कितनी दूरी पर रखा गया है ये पता है नहीं ये पता नहीं है लेकिन मोम है
और पानी में रखा गया है तो कितना न्यूटन बल लगेगा। तो F1 और F2 के बीच में हम दोनों माध्यम है, ये भी मीडियम ये भी मीडियम। हवा रहता तो अलग रिलेशन होता है, लेकिन मीडियम मीडियम के बीच में अलग रिलेशन होता है। F1 K1 इक्वल टू F2 K2। तो बताइए क्या निकालना हमको, F2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, F1 K1 का K2। दिस इज इक्वल टू F1 का मान कितना, 160। और K1 का मान तो घर से देना पड़ेगा, 2 से सर। X का कितना होता है, 2। और K2 पानी का 80, तो कितना हो गया, 16। बिल्कुल करेक्ट आंसर आया था आप लोगों का। इसी तरह से चाकू सही से चलाइएगा तो निश्चित रूप से सब्जी कटेगी, उंगली नहीं कटेगी, धार तो रहेगा। मत कीजिए जिनसे नहीं हुआ है। हो गया, नेक्स्ट EMT और देखेंगे। लेकिन EMT से पहले फॉर्मूला निकाले थे याद है, उस फॉर्मूला पर सवाल हम लोग नहीं बनाए। कोई फॉर्मूला दिखा सकते हैं जो लाए थे गुलाम सलाम में, बोलिए क्या था। FA इज इक्वल टू लाए थे कितना, सब भूल गए, 9×10⁻¹ q1 q2 r² देखो पर ईयर के लिए लाए थे नहीं है कॉपी में, और ईयर या वेकम के लिए यही है, नहीं पता चल रहा है या ऐसा आपकी कॉपी में कहीं नहीं है, देख लीजिए यही है हवा के लिए, F बराबर को हो या FA बराबर को हो, हवा के लिए यही फॉर्मूला है, 9×10⁻¹⁹ q1 q2 r² जो नहीं आए थे उनके लिए हम गिफ्ट दे सकते हैं, गिफ्ट तुम ले सकते हो अलग से। क्या यह इक्वल टू जानते हो 1/4πε₀ q1 q2 r², तो इसको लिखेंगे 1/4πε₀ के बदले q1 q2 r। बताओ और एयर या वेकम के लिए क्या लिए थे, और एयर या और भी इसको और भी ये बढ़ा सकते हैं, 1/4πε₀ के बदले 9×10⁻¹ ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग पता है ऐसा है। तो फॉर एयर या वेकम के लिए, एयर लो या वेकम लो, एयर या वेकम के लिए F का मान क्या लेते हैं, FA से लिखे थे ना, EA/εr का मान 1, इसलिए FA इज इक्वल टू हाउ मच, 1/10⁻¹¹ हो गया। इसको कोई जरूरी नहीं है FA या FA लिखना, हम FA लिखेंगे तो क्या रॉन्ग हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन दिमाग में रखना है कि हवा के लिए ये फॉर्मूला है रेडी। चलिए अब नेक्स्ट, ये तो हवा के लिए था, और किसी मीडियम के लिए फॉर्मूला क्या होता है। ये पहला था फॉर्मूला हवा या वेकम के लिए, लेकिन M बराबर हम लोग क्या देखे थे, 9×10⁻¹₀ q1 q2 r² नहीं, ये किसके लिए होगा, और ये मीडियम, और इस पर आधारित सवाल बनाना है, ये MT नहीं है, क्या ये
एम एफ है, एम एफ मतलब मेमोरेबल फॉर्मूला, इसको लिखो और अगला सवाल शुरू करो। हाँ तो ये कम से कम लिख लीजिए, इस पर सवाल बना कर आइएगा किसी भी किताब से। फॉर्मूला भी एक तरह का एमटी ही है, लेकिन वो मेरे द्वारा नहीं बनाया गया किताब में। किताब में कोई भी राइटर बना सकता, लेकिन एमटी मेरे द्वारा बनाया गया। इस पर हाँ हाँ